क्योंकि थोड़ा रास्ते में ही डालना है, क्योंकि रास्ते में इनका ना किनारे जो है जगह सड़क पर देने में यही खतरा है। हाँ सड़क में देना पड़ेगा, सड़क में जा रही है। हाँ इनके लिए नुकसान है ना भैया, सड़क में नहीं देना भाई साहब, एक किनारे डालवाओ, क्योंकि यहाँ सड़क पर देना ठीक नहीं है। सड़क में नहीं देना इनको, कई बंदर मर चुके हैं। हाँ ये सड़क में नहीं देना, चलते रहो रोहित। गुरु जी वो जो वहाँ पे वो नहीं है चबूतरे, उसमें एक मिनट हम रुके और वहीं डाल के आते हैं, वो सबसे बढ़िया है। ठीक गुरु जी, छोड़े भर लीजिए आप, आ जाइए उसी समाधि पर डाल दीजिए, जहाँ घास है उसमें डालो। हाँ बस नीचे डालो, सड़क पर नहीं। नहीं अरे कितने बंदर मर गए इसी में, और झुंड है। देखो अलग चना रखेगा थोड़ा रास्ते के लिए, अभी मंदिर के ऊपर देना है। इसको पकड़ो, ये उसको रहने दो, बस 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 दे दो। हाँ हाँ जो घास में डाल दो, समाधि में डाल दो, आम के पेड़ के नीचे डाल दो, बढ़ बढ़ करके। राम हो अरे अरे आप डालो, कहा है नहीं का। अरे एक मिनट, आप आपको क्या दिक्कत है, नहीं क्या है, कहाँ लैट्रिन करते है ए? अरे तुम घास है घास डालो यार, तुम घास है घास डालो, लैट्रिन करते हैं, लैट्रिन ऐसा नहीं करती, कहा जाए के बेकूफ आदमी, तुम डालो यार, इनका बपौटी आए कहा डालो, जहां मन हो वहां डालो। डायरेक्शन दे रहे हैं, कबो खिलाए के रोजी ना भाव हुई है, कि खिलाए के औकात भाव हुए, डालो जहाँ मर्जी हो वहाँ डालो। फिर सड़क पर नहीं देना, सड़क पर आने जाने से वो मर जाएंगे सब, कहें लैट्रीन करते हैं। हुआ सोरी हक्की है जाके बगल में, वहाँ पर सुअर टट्टी करती कि नहीं करती, आदमी आदत टोकने की, तो नए आदमी ये तो टोके लगे, हम हो तो इनसे बात करिए, तुम्हारे बाप की जगह है कोई, डालो घास से घास रोहित डालो, टट्टी करेंगे। अरे हुआ सोरी जाके हकती है बगल में, उनके बाप का बाप खवाइन हुए कुत्ते साले, बदन में आग लग जात, हिंदू है साले। इतना इतना सा रोक लो, देखे जाओ फेंको फेंको फेंको, उछाल के फेंका करो, बस किनारे किनारे डाल दो। नहीं लोगों की एक आदत होती है, वो दिखाते हैं कि मैं इस एरिया का बाप हूँ। उदाहरण के तौर हमारे पिताजी हमारी दादी की किस तरह सेवा कर रहे हैं, जरा उनका एक बार वीडियो बना के देखिए, इन लोगों को क्यों भाग जाएंगे, बाप को कभी पानी ना दिए होंगे, ऐसे मर गए होंगे। हाँ सही बात,
खाया बता रहे हो अंग्रेजी में खाना। ए आदत, ए चुप पे रहे हो, चा अपन दादागिरी ही अंदर देखा हो, बस एकदम साइलेंट। यहाँ के इलाके के सूबेदार हो का? हाँ, चुप पे रहो वरना इतने बेस मारा बाके ना कि तुम्हारा सब बुखार उतर जाये, दादागिरी घुट जाये तुम्हारे टान डाल कहीं के। हम कह रहे हैं बेकूफ कहीं का अपनी दादागिरी दिखा रहा। अरे वहाँ सुअर हकता है कि नहीं है बोल? हाँ यहाँ डाल लो सड़क पर ताकि बंदर मर जाए, बेकूफ कहीं का बोले जा रहा है सड़क पर डाल दो। अरे भैया वहाँ सुअर हकता है आके, सुअर वो क्या रोके हैं आके इनके बाप, बेकूफ टाइप का। कोई लोगों की आदत होती है वो कुछ लगाए होंगे, यहाँ लोग पीने के लिए आते हैं सब, हाँ वो लगाए हुई हैं। अच्छा अरे भैया वहाँ सुअर हगेगा, सुअर अभी आके उसी के बगल में, और सुअर अपना देह रगड़ता है उसी में, मालिश करता है। एक लोगों की आदत है टोकना रोकना, अपनी दादागिरी दिखाना, कबर रोजे ना भाव ही बाप दादन के, यह टाइप का काम करें। हाँ। हो सकता वो अच्छे काम किए हों, यही नौटंकी पेल रहे केवल बस। भैया थोड़ा रोकना भी रास्ते के लिए, अभी रास्ते के लिए रोकना। अबे है माल गुरुजी बहुत, कहाँ माल है, अरे नहीं डबल रोटी तो भले दे देना यहाँ पर, इनका वाला गेहूँ रखा ना, नहीं गेहूँ तो रखा, चना रोको क्योंकि काले वाले बंदर जो है वो गेहूँ नहीं खाएंगे, वो चने खाएंगे। कहाँ ये डाले से मिला गया? नहीं नहीं उसमें ना मिलाओ, इसको अलग अलग दे दिया जाएगा, कोई ऐसी जगह ढूंढा जाए। हाँ देखो आगे चलो, उधर बहुत बंदर हो गए। कहाँ पर? हाँ चलिए आगे चलो रोहित, वहाँ ये वही मोड़ तक चलो। हाँ आइए बैठिए आके। अरे रास्ते में बंदर लड़ जाएंगे, ठीक है, करना भी नहीं करने भी नहीं देना, नहीं सड़क रोड के ऊपर बंदर को देना ही नहीं चाहिए। तमाम गाड़ी आ रही जा रही, माजी बता रहे आदत होती है बोलने की। दुकान खोले है ना? हाँ। बंदर है हुआ तो बंदर इसको नहीं दिखा रहा। करकाए बंदर कहाँ बचा? करकाए बंदर उसी सिदौली तरफ। हाँ फिर एक बड़ा का पीपल मिले। हाँ मैं पर रहा था ये तो ईदा बंदर बाबा। हाँ घास पे डालते हैं। हाँ यही घास से घास डालो, गेहूँ डालो। कहाँ आओ बालाजी, बालाजी आओ। भैया ए डबल वो आगे देखो चबूतरा टाइप का वहाँ पे। हाँ 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 बंद है इस समय। चलो देखो दीपेश जी इस आदमी के अंदर सेवा करने की बड़ी भावना है ना। इतनी दूर चौथरे के लिए कहे ना, अरे गुरु जी वो चौथरा है, मतलब कि हमको चाहे जितनी तकलीफ हो जाए लेकिन इनका इनको भोजन मिल जाए, खाओ। क्या है मिठाई का डंडा है, डंडा धरा है, खाओ। ये ना धरा है, खाओ। बालाजी दो भैया, बालाजी दो, खाओ सब कुछ खाओ, सब कोई खाओ।
बिना मिश्रा बेचारे उठी दूर चले गए, वहीं पक्के छत पर डालेंगे, चौथे पर डाल देंगे। आई थे जो क्या दौड़ा रहे हो। अच्छा आई थे, बस बहाना नहीं, जहां बंदर हैं वहीं देना। अरे वो कमीना टाइप का वो दुकान खोले हैं तो सोचें के लाओ, इनका हम थोड़ा कुछ बड़े बेशरम हो। अब सब बाप दादे ने तक सुना दिया, बाबू खामोश ही के बड़े कुत्ते टाइप के लोग होते हैं। तो ठीक है बाप का, तो सही खाद पानी ने पूछ नहीं है सब। अरे पुण्य ने काम है, एक तो मित्र ले जाइए हो कहा भैया। क्यों खाइबे नहीं, गलत बात, तुमको अपने खाने के लिए मिलेगा, बाकी बंदर को दो। चलो इधर आओ, इधर आओ, खाली अपने कोई जेब है तुम्हारा? रुक जा भाई, इसको अलग पकड़ो, अलग पकड़ो, एक ये भी टोस्ट पकड़ो, ये बस, बाकी बंदर को दो। हाँ आ आ आ आओ भाई, आप थोड़ा सा इनके लिए आया है, इनको भी तो खाने दो। बस हो गया, चलो चलो, बस हो गया, वो तो अपने खाने भर के लिए रख लो। चलो बैठो, जेबो तुम्हारे रखे हो वही, चलो बैठो जल्दी। ये बड़े पुराने कलाकार हैं ये लोग, इनका गेहूं बांटे जीन जात रहे, ये एक लौंडा हो रहा है जो बांदर रस बना रहे, डांस कर रहा था, मुस्ता नहीं आवा वो है आजकल। अच्छा हाँ चलो, है जा रही है। हाँ तो अब वो कहाँ गए, बिने कहाँ गए? अब रोहित मंदिर, हाँ साधु जी इधर बांट के थोड़ा बहुत रोक लीजिए, मंदिर के ऊपर डाल दिए और के बाद थोड़ा रोक लीजिए तो आगे हमारे ख्याल से देखो साइड मिले, देख लो खाली बात। चलो आइए बैठिए।